हेलो गाइस वेलकम बैक टू एज ब्लॉग्स आई होप यू ऑल गाइस आर गुड एंड फाइन तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी अगेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की पैकिंग करनी चाहिए कौन सी चीज़ें लानी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए तो ओवरऑल वीडियो इंपॉर्टेंट होगी मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को दबा दें तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं पहले नंबर पर मैं कपड़ों की बात करूंगा क्लोथ्स की बात करूंगा पहले नंबर पे क्लोथ्स में अब पहले नंबर पे आती है टी शर्ट अब डिपेंड करता है आप आ कहाँ पे रहे हैं सिडनी आ रहे हैं मेलबर्न आ रहे हैं ब्रिस्बन आ रहे हैं मेलबर्न uh, में ज्यादातर ठंड uh, ही होती है पूरा साल वहाँ पे रात को uh, मौसम ठंडा ही रहता है सिडनी में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा अभी मैंने वीडियो बाहर ही बनानी थी क्योंकि बारिश हो रही है बाहर यहाँ पे फुल गर्मी चल रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंज हो के यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं रात को सर्दी होती है यहाँ पे अब सिडनी में थोड़ी बहुत सर्दी होती है रात को और बारिश हो जाए तो बारिश के बाद तो थोड़ी बढ़ जाती है वेदर चेंज हो रहा है तो मैं इसीलिए बाहर ने फिर वीडियो बनाई मैं अंदर आ गया रूम में आ गया तो क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी इसीलिए जो है अब मौसम चेंज हो रहा है अब जिन्होंने आना है आ, मैंने कल भी देखी एक पोस्ट कल भी काफ़ी पाँच छः लड़कों के वीजे आए जो है पाकिस्तान से जिस कंसल्टेंट को मैंने फॉलो किया उसके पाँच छः स्टूडेंट वीज़े आए ऑस्ट्रेलिया के तो अब यानी कि जो अब बच्चे आएंगे ऑस्ट्रेलिया में अब सर्दियों के हिसाब से वो कपड़े लेके आएंगे मेलबर्न में भी काफ़ी सर्दी होगी और सिडनी में भी काफ़ी सर्दी होगी तो ये है कि अगर आप सर्दी में आ रहे हैं तो फुल टी शर्ट्स ले आए तकरीबन पाँच छः टी शर्ट्स ले आए और उसमें एक दो ब्लैक ले आए अब ब्लैक का ये चक्कर है जब आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं तो वो ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट की डिमांड करते हैं आपसे तो मेक श्योर आप एक या दो ब्लैक शर्ट ले आए आप ऐसा करें कि पाँच छः जो है फुल बाजू शर्टें रख लें और दो तीन जो है हाफ बाजू भी रख लें और उसके बाद अगर मैं बात करूं जीन्स की पैंट्स की तो पेंटें आप चार से पाँच पेंट्स भी कर लें जिसमें से एक पेंट ब्लैक होगी और उसके बाद टावल टावल भी आपने दो करने हैं दो में से एक स्मॉल टावल और एक बड़ा वाला टावल तो दो टावल आप लाजमी लाएंगे क्योंकि अगर एक वॉश करने वाला है तो दूसरा आपके पास होगा उसके बाद मैं शॉर्ट्स की बात करूं जो लोग लॉन्ग निकर वगैरह पहनते हैं वो पाकिस्तान से ही या इंडिया से ही लाएंगे अः uh, स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे कपड़े अच्छे मिल जाते हैं लेकिन ये कि आपने थोड़ा स्टार्टिंग के लिए गुजारा करने के लिए ये कपड़े लेके आने हैं अगर शॉर्ट्स की बात करूं तो चार से पांच शॉर्ट्स कर लेने हैं और उसके बाद अंडरवेयर्स की बात करूं तो पांच से छह अंडरवेयर भी कर लेने हैं आपने क्योंकि हर रोज तो बंदा दौड़ नहीं सकता नेक्स्ट मैं बात करूंगा जैकेट्स की क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो अगर सर्दी होती तो मैं आपको कहता एक एक जैकेट ले आए एक जैकेट ले आए एक हुडी ले आए लेकिन अब जो है क्योंकि सर्दियां आ रही हैं मेलबर्न में भी जो आ रहे हैं या सिडनी में भी जो आ रहे हैं या कहीं पर भी आप जा रहे हैं सर्दी होगी ऑस्ट्रेलिया में अब अब जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आपने अपने साथ दो जैकेट्स लानी है मेक श्योर sure और दो हुडीज लानी है जिसमें से एक हुडी आप ब्लैक करेंगे आ, ब्लैक अगर रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ काम आ जाएगी एक हुडी आप अपनी मर्जी की कर लीजिएगा और दो जैकेटें लाजमी ले आइएगा उसके बाद मैं पिलो की बात करूँ अगर आपको लगता है कि आपने अपना पिलो ही आपको अपने पिलो के बगैर नींद नहीं आती तो आप अपना पिलो भी ला सकते हैं अगर आपको लगता है वरना यहाँ पे आई थिंक अठारह डॉलर या बत्तीस डॉलर के दो पिलो का पैक मिलता है इनशाला मैं आपको अगली वीडियो में कोल्स का विजिट करवाऊंगा जहाँ पे आपको ग्रोसरी की प्राइजेस का पता लग जाएगा कौन सी चीज कितने की है तो उससे भी आपको अच्छा आइडिया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कोल्स की विजिट पर बनाऊंगा कोल्स का पूरा टूर करवाऊंगा अगर आपको पिलो चाहिए तो ले आए नहीं तो यहाँ से अठारह डॉलर का एक पिलो मिल जाता है और अब अगर मैं बेडशीट्स की बात करूं तो आप बेडशीट्स भी दो लाएंगे क्योंकि अगर एक दोने वाली या दूसरी काम आ जाएगी और उसके बाद ब्लैंकेट ब्लैंकेट भी आप दो लाएंगे एक अच्छे वाला वजनी वाला ले आइएगा और एक जो है मतलब के हल्का वाला जो जिसका वेट कम होता है जो हल्का वाला है वो तो सर्दियों में चलेगा नहीं क्योंकि मेलबर्न बहुत ठंड पड़ती है मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मैं वो कम वज़न वाला कंबल लेके आया था मैं हैवी वेट वाला नहीं था लेके आया लेकिन जब यहाँ सर्दी आई तो मुझे ज़रूरत पड़ी मोटे कंबल की फिर मैंने यहाँ से बाय किया तो वो जो ब्रिक वाला है वो सर्दी में इतना काम नहीं देगा ख़ासतौर पर मेलबर्न में मेलबर्न में तो वो बिल्कुल काम नहीं देगा तो ये है कि एक आप कम वेट वाला और एक ज्यादा वेट वाला अच्छा वाला कंबल लाजमी लेके आए अगर आपके पास वेट नहीं बचता तो फिर आप यहाँ आके बाय कर, ले, कर लेंगे क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं यहाँ पे आपको महंगा मिलेगा तो बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से ही लेके आए उसके बाद अगर मैं कैप्स की बात करूँ तो तीन से चार आप कैप्स ले आए विंटर की और तीन से चार आप कैप्स ले आए गर्मियों वाली तो क्योंकि सर्दी चल रही है तो इस टाइम तो विंटर वाली कैप्स काम आएंगी तो इसलिए तीन चार वो और तीन चार गर्मियों वाली और सन ग्लासेज अगर आपका दिल करता है तो एक दो वो भी ले आए दो को सन ग्लासेज रख लें उनका इतना वेट भी नहीं होगा दो सन ग्लासेज ले आए उसके बाद अगर मैं सॉक्स की बात करूँ तो सॉक्स तकरीबन पाँच से छः पेयर तकरीबन आप लेके आए जिसमें से तीन आप करेंगे गर्मियों वाले और तीन आप करेंगे सर्दियों वाले सर्दियों वाली यानी कि मोटी सॉक्स और गर्मियों वाली ब्रीक सॉक्स तो तीन आप वो करेंगे तीन आप वो करेंगे अगर चार चार करना चाहें तो चार चार भी कर लें, आपकी मर्जी है लेकिन यह है कि सर्दियों वाली भी लाएं और गर्मियों वाली भी लाएं। उसके बाद अगर मैं शूज की बात करूं तो शूज तकरीबन आप कोशिश करें तीन ले आए या दो ले आए दो तो लाजमी लाए जिनमें से एक ब्लैक होगा और जो है बाकी दो या एक जितने भी आप लाते हैं वो आपके वैसे जोगर्स काम आ जाएंगे शूज यहाँ पे बहुत महंगे हैं स्टार्टिंग तकरीबन एक सौ बीस डॉलर है शूज की एक सौ तीस दो तीस दो सौ चालीस इस तरह है शूज यहाँ पे तो बेहतर यह पाकिस्तान से अच्छे शूज के तीन पेयर ले आए जिसमें से एक ब्लैक हो अब अगर हम बात करें डिशेस की डिशेस में पहले नंबर पे आती हैं प्लेट्स तो आपने दो प्लेट्स ले लेनी है दो कप ले लेनी है दो स्पून ले लेने हैं और फोक वगैरह नहीं रखना ना छुरी रखनी है ना कोई इस तरह सेफ्टी वगैरह की कोई मतलब के कोई ऐसी चीज जो डैमेज करे कट वगैरह लगा दे किसी चीज को कुछ भी नहीं रखना और ना ही आपने राइस कुकर रखना है कोई दूसरा कुकर रखना है वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा कोई नहीं आपने थोड़ा गुजारा ही करना है तो इसलिए दो प्लेट्स दो चम्मच और दो कप बहुत है उसके बाद अगर मैं बताऊं कि जो लोग चाय काफ़ी पीते हैं काफ़ी मेरे साथ लड़के रहते हैं जो चाय काफ़ी पीते हैं तो ये है कि पोनी जो है आप चाय की जिससे हम जिससे हम चाय पुनते हैं वो यहाँ से भी मिल जाएगी लेकिन यह है कि आप स्टार्टिंग में तो नहीं आप हर चीज़ अगर यहाँ आके बाय करेंगे तो आपका खर्चा काफ़ी हो जाएगा तो बेहतर है कि वो भी आप पाकिस्तान से ही ले आए पोनी छोटी सी मिल जाएगी पाकिस्तान से वो आप पाकिस्तान से ही ले आए तो इसके अलावा आपने मिठाई बिल्कुल नहीं लानी अगर कोई बंदा बोले भी कि यार मेरी मिठाई ले आना वो आपको कार्ड में डिक्लेयर करनी पड़ती है जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं आपको एक कार्ड मिलता है उस कार्ड में आपको हर चीज डिक्लेयर करनी पड़ती है अगर आप कोई मेडिसिन लाते हैं मेडिसिन भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है तो बेहतर यह है कि आप मेडिसन ना लाएं मेडिसिन यहाँ से मिल जाती है पैराडॉल वगैरह या कोई भी सर दर्द वगैरह की या नज़ले ज़ुकाम की वो वैसे यहाँ से मिल जाती हैं वो लाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर आप वो कार्ड फिल करेंगे अगर कोई मसला हो गया तो वो आपको रोक लेंगे तो बेहतर यह है ना आप मिठाई लाएंगे ना आप मेडिसिन लाएंगे हाँ अगर आपको कोई मेडिसिन लगी हुई है डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये लेनी लेनी आप वो मेडिकल में तो वैसे ही आपके डिक्लेयर हो जाएगी वो मेडिसिन तो आप, आप जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ फिर वो मेडिसिन ला सकते हैं वैसे आप मेडिसिन बेहतर है ना ही लाएं उसके बाद अगर मैं एक्स्ट्राज की बात करूं तो एक्स्ट्राज में आता है आपने जो चीज़ नहीं लानी वो है सोप शैम्पू और फेस वॉश यहां से अच्छा मिल जाता है वो आपने नहीं लाने लिक्विड टाइप चीज आपने नहीं लानी उसके बाद जो टूथब्रश है उसके दो पैक ले आए आप काफी देर आपके चल जाएंगे दो पैक टूथब्रश बाद अगर मैं बात करूँ क्योंकि आप स्टूडेंट वीजे पे आ रहे हैं तो आप एक रजिस्टर पेन पेंसिल और स्केल लेके आएंगे वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हर चीज ऑनलाइन होती है लैपटॉप के थ्रू होती है तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप फिर भी ले आएंगे बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट में आप अपना लैपटॉप लाएंगे जो आप पाकिस्तान या इंडिया यूज़ करते हैं आपको नया अपग्रेड करने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप वहाँ से न्यू बाय करके ना लाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही यहां आ जाए यहाँ पे आके बाय कर लेना यहाँ पे आ, अच्छी ऑप्शन है हाँ अगर आपके पास पहले ही लैपटॉप वहां है आप वहां अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप अपग्रेड ना करें वही लैपटॉप लाए उसको थोड़ी देर चलाएं फिर यहाँ पे अपग्रेड कर लेगा यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं तो आप पुराना लैपटॉप ही लाए और उसके बाद अगर फोन है आपके पास फोन भी पुराना है तो वही लाए नया बाय करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्लान पे फोन निकलवा लेते हैं दो साल उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कोई नहीं होता ओरिजिनल प्राइस ही होती है आराम से आप महीने की किस्तें देते रहते हैं जितना भी आपका प्लान होता है उसके हिसाब से आप महीने की किस्त देते रहते हैं तो वो ईजी सीन है तो आप फोन वहाँ से बाय ना करें लेकिन आप वहाँ से मोबाइल के कवर प्रोटेक्टर लाजमी ले के आए यहाँ पे कवर्स और प्रोटेक्टर्स बहुत महंगे हैं उसके बाद आपको मैंने बात जो की पहले भी की है वही है कि आप मेडिसिन ना लाएँ प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन ना लाएं और उसके बाद आपने कोई नट्स वगैरह नहीं लाने जिस तरह बादाम हो गया या अखरोट हो गया कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं लानी ना मिठाई लानी या ना है ना नट्स लाने हैं और उसके बाद जो आपने पावर बैंक है पावर बैंक आप एक बाय करके ले आए और पावर बैंक आपने लगेज बैग में नहीं डाला वो आपने उस बैग में रखना है जो आपका बैग कंधों के साथ होगा डॉक्यूमेंट्स वाला बैग होगा उसमें हो तो ये थी आज की वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को दबा दें तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे ट्यून स्टे सेफ थैंक यू